गुड मॉर्निंग क्लास। आज का समाजशास्त्र विषय कक्षा 12, आज का टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक जो पार्ट है जो आपका जो पहले से ही चल रहा है, पार्ट का नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। उसके अंतर्गत जो आज चलेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके अंतर्गत जो हम पहले में पढ़ चुके हैं बेटा, पश्चिमीकरण पढ़ चुके हैं, संस्कृतिकरण पढ़ चुके हैं। पश्चिमीकरण जो पश्चिमी देशों की संस्कृति के परिणाम स्वरूप गैर पश्चिमी देशों की संस्कृति में जो परिवर्तन होते हैं उनको पश्चिमीकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण उसको कहते हैं बेटा कि जब कोई निम्न जाति अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने के लिए किसी उच्च जाति का अनुकरण करती है उसको कहते हैं, क्या कहेंगे उसे? एक तो संस्कृतिकरण हो गया, एक हो गया संस्कृतिकरण, और दूसरा क्या बोलेंगे? एक पश्चिमीकरण है। संस्कृतिकरण किसको बोलेंगे? जब एक निम्न जाति उच्च जाति का अनुकरण करेगी उस प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण। पश्चिमी देशों का प्रभाव जो हमारी संस्कृति पे पड़ता है, गैर पश्चिमी देशों की संस्कृति पे पड़ता है, उसको कहते हैं पश्चिमी। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत औद्योगिकरण पड़ा, उद्योगों के विकास को औद्योगिकरण कहते हैं। नगरीकरण पड़ा, नगरों के विकास को नगरीकरण कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत आता है बेटा, एक आता है प्रभु जाति। प्रभु जाति का मतलब होता है एक ऐसी जाति, उसमें मतलब जाति ये नहीं देखी जाएगी कि जाति ऊंची है या निम्न जाति है या उच्च जाति। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो किसी स्थान पे जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि होती है, सबसे ज्यादा उसके सदस्यों की संख्या होती है, राजनीति में भी उसकी अच्छी खासी दखलंदाजी होती है, उस जाति को ही प्रभु जाति कहते हैं। तो प्रभु जाति भी जो है क्या हुई, सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा जनसंख्या मतलब संख्या उसी जाति के सदस्यों की होती, जमीन भी सबसे ज्यादा उन्हीं की उसी जाति के सदस्यों के पास होती, राजनीति में भी उनका पूरा दखल होता है, पूरी पकड़ होती है राजनीति में, तो उसको कहते हैं बेटा प्रभु जाति। ठीक, मतलब ज्यादातर संसाधनों पे जो है किसी स्थान पे जिस जाति के सदस्यों का दबदबा होता है और जिसके सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसी को प्रभु जाति कहा जाता है। प्रभु जाति दो प्रकार की होती है, एक स्थानीय प्रभु जाति होती है और एक होती है क्षेत्रीय प्रभु जाति। स्थानीय प्रभु जाति वो होती है जो किसी स्थान के किसी एक बहुत बड़े मतलब एक स्थान होता है उसके ज्यादातर जो है जमीन पे अपना अधिकार रखती है। ये जाति कोई भी, मैं पहले बता चुका हूँ, उच्च जाति भी हो सकती है या निम्न जाति भी हो सकती है। दूसरी आती है क्षेत्रीय प्रभु जाति। क्षेत्रीय प्रभु जाति में वो आता है कि ये जाति किसी क्षेत्र पे अधिकार रखती है, कि क्षेत्र की जितनी भी संसाधन होते हैं, जमीनें होती हैं, इस पे जो है सबसे ज्यादा इन्हीं जाति के सदस्यों का अधिकार होता है। ये संख्या में भी अधिक है, इनके पास जमीन जायदाद भी अधिक है, इनकी राजनीति में भी पूरी पकड़ होती है, यही जाति जो है प्रभु जाति कहलाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वेस्टर्न यूपी, वहां पे जो है चार जातियां हैं, वहां पे जो है प्रभु जातियों को जो है अजगर के नाम से जानते हैं। अजगर, आ ज ग र, आ से अहीर, ज से जाट, ग से गुजर और रा से राजपूत। अहीर, जाट, गुजर और राजपूत, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चार जातियां हैं जिनका वहां पे दबदबा है। समाज, जमीन जायदाद से लेकर राजनीतिक पकड़ तक इन जातियों के पास ही सबसे ज्यादा संसाधन, अहीर, जाट, गुजर और राजपूत। अजगर, अजगर, अजगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये होती है प्रभु जाति, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि होती है, जिसके सदस्यों की संख्या भी ज्यादा होती है और जिनकी राजनीति में भी खूब दखल अंदाजी या अच्छी पकड़ होती है। ठीक, ये तो प्रभु जाति की बात हो गई। अब है बेटा पंथ निर्वेक्षिकरण। अब तक हमने जो है पश्चिमीकरण पढ़ा, संस्कृतिकरण पढ़ा, औद्योगिकरण पढ़ा, अब है पंथ निरपेक्षीकरण। पंथ का मतलब होता है किसी धर्म से, ठीक है, सोच, पंथ। निरपेक्ष का मतलब होता है कि
किसी के पक्ष में न हो, जैसे धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों को एक समान मानना, ठीक, या किसी के भी धर्म के पक्ष में न होना, वैसे ही पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष, जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, जैसे भारत है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्मों को जो है एक समान महत्व दिया जाता है, किसी भी धर्म को सरकार द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाता। धर्म निरपेक्ष का विलोम होता है धर्म सापेक्ष, जैसे कि हमारा पाकिस्तान, वहाँ पे जो है इस्लाम धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं दी जाती, और इस्लाम को जो है वहाँ पे सरकार द्वारा भी संरक्षण दिया जाता है, इसलिए उसको हम धर्म सापेक्ष। तो उसी तरह से पंथ निरपेक्षीकरण में भी ये धर्म निरपेक्षता की ही बात आती है, लेकिन पंथ निरपेक्ष में मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक समान मान, लेकिन पंथ निरपेक्षीकरण में ये होता है कि धर्म को तो हम मानते हैं, लेकिन धर्म को हम उसी सीमा तक स्वीकार करते हैं जहाँ तक वो हमारे लिए सही है, यानी कि जो धर्म की जो धर्मांतता है, जो रूढ़ियाँ हैं, जो प्राचीन अंधविश्वास है, उनको स्वीकार नहीं किया जाता। साधारण तरीके से अगर हम पंथ निरपेक्षीकरण की परिभाषा दें कि धर्म के स्थान पर जब किसी वस्तु या घटना की व्याख्या तर्क के आधार पर की जाने लगती है, तो उसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्षीकरण। मतलब किसी भी चीज को धार्मिक मोड़ न दे करके उसको तर्क के आधार पर जो है गठित किया जाए। छोटी सी बात, ग्रामीण क्षेत्र में जो है बारिश नहीं हुई, छोटी सी बात, सूखा पड़ गया है। अब धर्म के हिसाब से चलेंगे, जो पुरानी सोच है कि यार हमारे देवी देवता नाराज हो गए हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, ये सो करो, ये तो हो गई धार्मिकता। लेकिन अगर कोई पंथ निरपेक्ष व्यक्ति वहां पे जाएगा तो वो तर्क देगा कि भाई साहब ये देवताओं की वजह से नहीं हुआ है, ये आप लोगों के करने का फल है, क्योंकि पहले जंगल आपके घरों तक हुआ करते थे, आज जंगल जो है आपके घरों से 10 किलोमीटर दूर हो चुके हैं, क्यों, इसलिए जो है पर्यावरण खराब हो गया है, इसलिए जो है बारिश नहीं हो रही है। ये तर्क के आधार पर उसने, धर्म के आधार पर मैंने दी कि भाई देवताओं को प्रसन्न करो, उसने कहा कि नहीं देवताओं को नहीं, पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, तब जाके जो है सही होगा, वो भी धर्म की व्याख्या तर्क के आधार पर, तो इसी को पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होंगी, सबसे पहले बेटा धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है धर्म के आधार पर तर्क को जो है महत्व देने लगता है, हकीकत को होता है, उस वास्तविकता है उसको जो है समझने लगता है। दूसरा, शास्त्रों का महत्व बढ़ जाता है। कैसे, पहले तो लोग गीता, वेद, पुराण, इनका महत्व तो ज्यादा था, रामायण, महाभारत, इनका महत्व तो ज्यादा, लेकिन अब क्या है, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव शास्त्र, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, भूगोल, इस तरह के कई जो विज्ञान है उनका महत्व तो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति अब विज्ञान ने काफी हद तक पूरी करने में विज्ञान सक्षम, आविष्कारों का जो है महत्व दिया जाने लगा है, ठीक है। पहले लोग अध्यात्म को महत्व देते थे, अब लोग विज्ञान को भी महत्व देते हैं कि हाँ यार विज्ञान ने ऐसी चीजें बनाई है, आज बड़ी सी बड़ी बीमारियों का इलाज खोज लिया है विज्ञान, ठीक है। फिर गुणों की प्रधानता, अब जो है पंथ निरपेक्षीकरण का कारण क्या है कि व्यक्ति को जो है गुणों की प्रधानता, व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे यहाँ चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति मानी गई, शिक्षा दी गई, भाई जरूरी थोड़ी कि ब्राह्मण का बेचा शिक्षा देने लायक पैदा हो सकता है वो मंदबुद्धि होगा, वो क्या मंदबुद्धि शिक्षा देगा जिसको, इसीलिए पंथ निरपेक्षीकरण में जो ये कहा गया है कि भाई चलो धर्म के अनुसार चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम व्यक्ति की योग्यता को महत्व दो। जो व्यक्ति अगर निम्न जाति का व्यक्ति है, बहुत बड़ी काम करने की, जो बड़ा काम करने की योग्यता रखता है, तो क्यों उसकी हम योग्यता को वहाँ मिट्टी में गिराएं, उसको जो है क्यों ना हम आगे बढ़ाएं ताकि वो हमारे समाज के लिए कुछ काम कर सके, नहीं तो उसका तो योग्यता वहीं दब जाएगी, टैलेंट वहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार तर्क की प्रधानता होगी, ठीक। अब उसमें जो सहायक कारण है पंच, अब ये तो हो गए महत्व, धर्म के प्रभाव में कमी आ गई, विज्ञान का महत्व बढ़ गया है, कई सारे के अलावा आविष्कारों को महत्व मिला है,
गुणों की प्रधानता, अब व्यक्ति की जाति को न देख करके उसकी योग्यता को देखा जाता है, ठीक। देन तर्क के आधार पर जो धर्म की व्याख्या की जाती है। अब अंतर्निरपेक्षीकरण में जो सहायक चीजें हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। आजकल की शिक्षा जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा को जो है निषेध किया गया है, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, सिर्फ यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है जो व्यक्ति को उसके जीवन के लिए जरूरी है, मतलब जो जरूरी समझा जाता है वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हमें पूजा कैसे करनी है या कुछ अदरवाइज कुछ और कर्मकांड कैसे करने वो यहाँ पे नहीं सिखाया जाता। दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण और नगरीकरण, इससे भी जो है पंत निरपेक्षीकरण में सहायता मिली, क्यों? उद्योगों में आविष्कार हुए, नगरों में लोग एक साथ जुड़े, सभी कई सारे पंथों में लोग आए, लोगों ने सोचा यार कि जो हमें बताया जाता था ऐसा तो है ही नहीं, हिंदू ने बोला कि मुसलमान खराब होते, मुसलमान ने बोला हिंदू खराब होते, जब दोनों एक साथ जुड़े पता चला यार हम तो एक जैसे हैं, बहुत अच्छे आदमी। तो इस तरह से जो है लोगों ने तर्क देना शुरू किया। फिर तीसरा यातायात के साधन। यातायात के साधन हुए तो सभी लोग एक साथ आने जाने लगे, एक ही बस ट्रेन में सफर करने लगे, उद्योगों में जो है उद्योगों में जो है सभी ज्यादातर लोग एक साथ आने लगे, ठीक है ना। नगरों में तो आप देखते ही हैं कि हमारे पड़ोस में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रह रहे हैं। फिर है समाज सुधार आंदोलन। हमारे भारत में जो है कई सारे, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे प्रार्थना समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, कई सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने जो है समाज सुधार आंदोलन चलाए। सर सैयद अहमद खान साहब जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनका भी योगदान है समाज सुधार में, आंदोलन में, ठीक है। ये आप आगे बढ़ाया जाए तो इस तरह से जो है कई चीजें, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, जब हमारे देश में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा तो लोगों ने सोचा कि वास्तव में हम पीछे पीछे धर्म के लगे हुए हैं और ये लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो इसीलिए जो है उन्होंने भी, उनसे हमने जो सीखा कि भाई हमें भी इनके पीछे चलना चाहिए अगर आगे बढ़ना है, इन्होंने जो है जाति धर्म को महत्व नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ एबिलिटी योग्यता को महत्व देकर के अपने आप को आगे बढ़ाया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसको हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। उसमें जो है सभी धर्म लोगों ने, हिंदू सब ने जो है मिलकर प्रयास किया, लोग एक दूसरे के करीब आए, इससे पंथ निरपेक्षीकरण बढ़ावा मिला। उसके अलावा पहले लोग अपनी जातिगत व्यवसाय करते थे, योग्यता को महत्व न दिया जाता था, जाति में जो व्यवसाय है मजबूरी में करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे अब व्यवसाय में जो है लोगों को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हो गई। आज हर कोई जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमारे देश में स्वतंत्र है, चाहे वह क्योंकि उस पर कोई किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं, जबकि पहले क्या था व्यक्ति को मजबूरी में जो है अपनी जाति का पेशा अपनाना पड़ता था जो कि उसकी योग्यता के लिए। आज हम अपनी योग्यता के बल पर किसी भी जो है पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पंथ निरपेक्षीकरण में ये भी कारण बहुत सहायक रहे हैं। शिक्षा प्रणाली है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, यातायात के साधन, समाज सुधार आंदोलन,